नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। गुटखा खाकर रेलवे स्टेशनों पर थूकने वालों के खिलाफ आरपीएफ की मुहिम। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में गुटखा खाने वालों का हौसला इतना बढ़ गया है कि पहले प्लेटफॉर्म पर थूकते थे और आजकल स्टेशन पर खड़े यात्रियों पर थूकने लगे हैं। कुछ इसी तरह की घटना मुंबई उपनगर के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर 22 अगस्त की रात 10:30 बजे एक महिला यात्री के साथ घटी। घटना के बाद महिला यात्री ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और रेलवे अधिकारियों को फोटो के साथ ट्वीट कर शिकायत की, जिसके मुताबिक वह बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के इंतजार में खड़ी थी। उसी समय चर्च गेट की तरफ से जा रही एक ट्रेन का यात्री उनके ऊपर गुटखा खाकर थूक दिया। इस ट्वीट के बाद रेलवे पुलिस ने गुटखा खाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई है और बोरीवली व अंधेरी सहित कई रेलवे स्टेशनों पर गुटखा खाने वाले व उसे खाकर प्लेटफॉर्म पर थूकने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। एक्चुअली रेलवे में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू से ही जारी है, लेकिन अभी हाल में ही आपको एक घटना संज्ञान में आई है जिसमें एक यात्री द्वारा गुटखा खा के एक महिला यात्री के ऊपर थूकने की घटना को बहुत सीरियसली लिया गया। उसको ध्यान में रखते हुए गुटखा खा के थूकने वालों के खिलाफ हमने विशेष अभियान चलाया, जिसमें उनको करीब 15 लोगों को अभी हम लोगों ने सुबह से पकड़ रखा है और उनको फाइन मार के फिर उनको छोड़ा जाएगा और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अंधेरी आरपीएफ के वरिष्ठ निरीक्षक संजय चौधरी ने बताया कि सुबह रेलवे स्टेशनों पर गुटखा खाने वालों व बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अंधेरी स्टेशन पर 15 यात्रियों को गुटखा खाकर थूकते हुए पकड़ा गया। आरपीएफ की इस मुहिम से गुटखा खाने वालों और खाकर थूकने वालों में हड़कंप मच गया है। मुंबई से विनय दुबे, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।